कोरोना संकट के दौरान 3 माह में जिला कांगड़ा में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,63,157 लाभार्थियों को राशन का आवंटन किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण नरेंद्र दीवान ने बताया कि NFSA के तहत 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 1 किलो काला चना प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया, जिसके चलते अप्रैल मई जून 3 माह के लिए जिला कांगड़ा को 1,035 मीट्रिक टन चावल तथा 490 मीट्रिक टन काले चने का आवंटन किया गया, जिस पर विभाग ने उक्त अवधि में 9,573 मीट्रिक टन चावल तथा 420 मीट्रिक टन काला चना का आवंटन कर दिया है। जिला कांगड़ा में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 30,000 लाभार्थियों को अतिरिक्त रिफिल दिए जा चुके हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण नरेंद्र धीमान ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 2 माह के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह और 2 किलो काला चना प्रति परिवार वितरित किया गया। 3,345 मीट्रिक टन चावल और 163 मीट्रिक टन काला चना उपलब्ध हुआ था, जिसमें से 2,883 मीट्रिक टन चावल और 93 मीट्रिक टन काला चना वितरित किया जा चुका है। लाभार्थियों को 45% चावल और 66% काला चने का आवंटन किया गया है तथा 31 जुलाई तक जो भी आवेदन आएंगे उन्हें भी राशन दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा COVID-19 के दौरान जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया, उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जो यहाँ NFSA बेनिफिशियरीज थे लगभग 1,63,157, तो जिला कांगड़ा में भी उनको इस योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह व 1 किलो काला चना प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया। तो हमें 3 महीने के लिए अप्रैल मई जून के लिए 10,035 मीट्रिक टन चावल और 490 मीट्रिक टन काले चने का आवंटन किया गया। इसमें से जो अप्रैल मई जून 3 महीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हो गया 9,573 MT और काला चना 420 MT लोगों में लाभार्थियों में वितरित किया गया। इसके पश्चात जो माइग्रेंट लेबरर्स जो यहाँ फंसे हुए थे बाहरी राज्यों के, उनको भी भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कुछ आवंटन किया गया। उसके लिए माह मई जून के लिए 2 मास के लिए जो स्केल गरीब कल्याण योजना में था उसी हिसाब से 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 1 किलो काला चना, तो उसमें हमने सभी परिवारों को जो थे 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 2 किलो काला चना प्रति परिवार आवंटित किया। उसमें हमें 3,345 मीट्रिक टन चावल और 163 मीट्रिक टन जो था वो काला चना आवंटित हुआ था। इसमें से 2,883 MT चावल और 93 MT जो है काला चना इन लाभार्थियों को वितरित किया गया। और इस प्रकार हमारे पास इस योजना के अंतर्गत 45% चावल और 66% काला चना जो है वो लाभार्थियों में वितरित किया गया। बाकी अभी भी अगर 31 जुलाई तक कुछ ऐसे परिवार उनके आवेदन हमारे पास आते हैं तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। नहीं, अब तो ऐसे इक्का दुक्का, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे जिनको पता था वो आ गए हैं, संबंधित पंचायतों के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए थे या फिर जो नगर पंचायतें हैं नगर निगम है उनके माध्यम से। अब ये स्पीड काफ़ी कम हो गई है, तो दिन में 1-2 कभी वो भी किसी ब्लॉक में, बाकी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं।